आर्यन पब्लिक स्कूल झिड़ीवाला। एडमिशन्स ओपन फॉर द सेशन मार्च 2018-19। आर्यन पब्लिक स्कूल सितारे की तरह चमकता हुआ एक शिक्षण संस्थान है। 7 बीघे में फैला आर्यन पब्लिक स्कूल प्रदूषण और शोरगुल से दूर ग्राम झिड़ीवाला में स्थित है। आर्यन पब्लिक स्कूल का अपना खेल का मैदान है। स्कूल के सभी कमरे स्मार्ट क्लासेस उपकरणों से लैस हैं। आईटी के प्रोत्साहन के लिए स्कूल में कंप्यूटर लैब है। पठन पाठन के अलावा ज्ञान विज्ञान की वृद्धि के लिए पुस्तकालय भी है। स्कूल के पास अपनी एक प्रयोगशाला भी है, जो कि विज्ञान के आधुनिक उपकरणों और रासायनिक सामग्री से पूर्णतः लैस है और विद्यार्थियों के लिए यातायात की सुविधा भी उपलब्ध है। बेटी के इलाज के लिए माँ ने बेच दिया घर बार। दूसरी अपंग बेटी को पीठ पर ढोने को है मजबूर। अपने बेटे को मजबूरी में छोड़ना पड़ा अनाथ आश्रम। 17 वर्षीय बेटी, जिसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, उसका इलाज करवाने के लिए विधवा माँ अपने घर का सब सामान बेचकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र मंडी से निकलकर सोलन में बेटी का इलाज करवाने को मजबूर हो चुकी है। बेसहारा और असहाय माँ के पास सभी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है और हिम्मत भी जवाब देने लगी है और वह सरकार और प्रदेश की जनता से मदद की गुहार लगा रही है ताकि उसकी बेटी का इलाज हो सके। मेरी बेटी बीमार है, उसको किडनी की प्रॉब्लम है। पति को एक्सीडेंट हो गया और 9 महीने हो गए उसके डायलिसिस करके। किडनी देने वाला कोई नहीं है। एक बेटा है, 2 बेटी है। एक बेटी है, वो पंग 16 साल की है, वो बिस्तरे में ही है। वो कुछ उठा के करनी पड़ती है, खाना भी खा दे, टट्टी पेशाब पूरा करना पड़ता है उसको। वो किसने पाड़ने, ये घर में कोई क्या बोलना नहीं है। सरकार से कोई मदद नहीं मिली। जो मैंने कमाया तो पैसा वो बेटी के लिए इलाज के लिए ला दिया। और कितनी देने वाला होगा कोई, तो मेरी बेटी को क्या बना होगा। मेरी बेटी को इलाज को होना क्या बना होना चाहिए जल्दी जल्दी। वो PGI में बोलते भाई 3 साल वेट करना पड़े, मेरी बेटी 3 साल वेट कर नहीं सकती। उसको बहुत दिक्कत है चलने के लिए, वो तो इतने मैंने उठा के करनी पड़ती। मेरा नाम सुनीता है। अगर कोई किडनी देने वाला हो तो प्लीज़ मुझे किडनी दे, और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मैं पढ़ना चाहती हूँ। सरकार बस मेरे इलाज के लिए कुछ करते, पैसा दे दे, हमारे पास कुछ नहीं है। माँ को भी दिक्कत हो रही है। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।